नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसार्ट्स। जब से आईएएस के पाठक ने शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया है, तब से लगातार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार के पाठक खुद जो है स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को भी आदेश दे रहे हैं कि वो तमाम स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाएं और निरीक्षण करें, ताकि अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है, लापरवाही पाई जाती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि आईएएस के पाठक और शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जो है बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया था। जिसके बाद बता दें कि राजभवन की तरफ से जो है एक प्रतिक्रिया सामने आई और उस पर इस आदेश पर रोक लगाने को कहा गया। लेकिन अब बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। दरअसल मैं आपको पूरी बात बता देती हूं। और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा था कि अगर सरकार फंडिंग करती है तो सरकार की बात को भी माना जाए। तो ऐसे में बता दें कि अब जो है आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने के अपने फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया है। विभाग ने राजभवन को भेजे पत्र में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला दिया है और पूछा है कि इस अधिनियम की किस धारा में विश्वविद्यालय को जो है ये अधिकार है। और साथ ही आपको बता दें कि विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की ओर से प्रेषित इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सालाना विश्वविद्यालयों को 4,000 करोड़ रुपए देती है, लिहाजा शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय को उनकी जिम्मेदारी बताने पूछने का पूर्ण अधिकार है कि वे इस राशि का कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 और 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिम्मेदार अधिकारियों को हॉस्टल, कॉलेज आदि का नियमित इंस्पेक्शन करना है, समय पर परीक्षाएं करानी है। इस बिंदु पर जब विश्वविद्यालय फेल करेगा तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप लाजमी है, क्योंकि वह करदाताओं, छात्रों के प्रति जिम्मेदार है। सचिव का पत्र बता रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच तनातनी कायम है। ऐसे में आपको बता दें कि 17 अगस्त को राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने और उनकी वित्तीय अधिकार पर पाबंदी लगाने को गलत बताया था। राजभवन ने कहा था कि यह कुलपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। राजभवन ने शिक्षा विभाग को कहा था कि कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने का आदेश वापस लिया जाए। इसी पत्र के जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से जो है राजभवन को जवाब भेजा गया है। विभाग ने वेतन रोकने के अपने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आपको बता दे कि यह साफ जाहिर करता है कि राजभवन और सरकार के बीच जो है तनातनी अभी भी चल रहा है और ये तनातनी जो है आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाता है कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने का, तो उस पर राजभवन की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि इसका जो रोक लगाया गया है वो हटा दे। और ऐसे में अब जो है शिक्षा विभाग जो है इस पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर देता है, जिसके बाद जो है अब अलग ही तरह की जो तनातनी है वो देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।